गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं और वो बेटा आपके पास है सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करें और वो आज की क्लास में आपके पास है सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग मैग्निफाइड इमेज ऑफ टेनी ऑब्जेक्ट्स। बेटा इसका यूज किया जाता है और मैग्निफाइड इमेज देखने के लिए, बड़ी इमेज देखने के लिए और छोटे ऑब्जेक्ट्स की इसका यूज करते हैं बेटा। और मैग्निफाइड इमेज ऑफ टेनी ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स की और बहुत बड़ी इमेज नहीं कह सकते, एक बड़ी इमेज कह सकते हैं। बहुत बड़ी के लिए हम यूज करेंगे वो कंपाउंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ी इमेज छोटे ऑब्जेक्ट्स की देखने के लिए, जैसे अपने पास वॉच के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं या बेटा अपने पास ज्वेलर्स के होते हैं, इन सभी के अंदर हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसके पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, इस कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो इमेज बनाई जाएगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्निफाइड। एक मिनट होल्ड रखना बच्चों। ये बेटा आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्निफाइड होगी। ये इमेज इसके द्वारा बनाई जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसके लिए रे डायग्राम, कैसे ये इमेज बनाएगा ऐसे उसके बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बेटा आपके पास एक ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब मेरे को एक बात पता है कि कॉन्वेक्स लेंस एक ही केस में बेटा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जब बेटा आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या हो, बीच में। यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा, अगर पहली रे बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पास हो जाएगी फोकस। दूसरी की अगर बात करता हूं बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी निकल जाएगी, ये कभी नहीं मिलेंगे। और आप एक अजुप्शन करें, जब भी आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप को अपनी आंख के नजदीक रखोगे तभी आप ऑब्जेक्ट देखोगे। तो आप मान लो यहां से आप देख पा रहे हैं, ये आपकी आंख के नजदीक है, ये आपकी आई, ठीक है। इसके सामने बेटा आप ऐसे लगाओगे तभी आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, ठीक है। तो आपके सामने ये रे ऐसे डालेगा कभी नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब रियल इमेज तो बनी नहीं सकती। अब वर्चुअल इमेज बनानी है बेटा, तो वर्चुअल इमेज होती है अपीयर टू मीट। तो आप सभी ने रे डायग्राम पढ़ा हुआ है कि ये जो रे है ये इस तरीके से अपीयर टू मीट होगी ऐसे, और एक ये रे अपीयर टू मीट होगी, ये वापिस कैसी मीट होंगी, अपीयर टू मीट। यहां जब ये अपीयर टू मीट होंगी बेटा तो आपके पास इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, और इसको थोड़ी देर के लिए बेटा मैं नाम दे देता हूं ए बी ऑब्जेक्ट है, और ये बेटा बन गई आपके पास ए डैस और बी डैस, ठीक है। तो देखो इस कॉन्वेक्स लेंस ने एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाई है जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां है,
बीच में, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अगर ये बीच में है तो अब ये इमेज यहाँ तो बन ही नहीं सकती, देखो गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये कभी मीट नहीं कर सकती, यहाँ पे मीट नहीं कर सकती, इसलिए रिफ्रैक्ट करके आपके पास ये पीछे की तरफ अपीयर टू मीट होंगी और यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनती हुई नजर आएगी, सिर्फ एक झूठी इमेज बनेगी और बड़ी और मैग्निफाइड इमेज बनेगी। ये डायग्राम प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, डायग्राम तक कर लोगे सभी बच्चे? सर थैंक यू। अब सर देखते हैं आगे, अब हम इसके करते हैं मैथमेटिकल पार्ट। मैथमेटिकल पार्ट इसका क्या कहता है उसको बड़े ध्यान से देखें। मैथमेटिकल पार्ट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपके सामने, तो क्या सिचुएशन मेरे पास निकल के आती है वो देखें। कंडीशन ध्यान देखें कि आपके पास जैसे ये रे डायग्राम बना और यहाँ इमेज बनी है ए डैश और बी डैश, तो एक छोटी सी टर्म होती है मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग पावर, या इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये होता है, इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ एंगल सबस्टेंडेड एट आई बाई फाइनल इमेज टू एंगल सबस्टेंडेड एट आई बाई ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये होता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जिसको एम से डिनोट किया जाता है। एक बार सभी बच्चे लिखना बंद करके और स्क्रीन पे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। इट इज रेशियो ऑफ, ये डिफाइन करोगे किस किस का रेशियो है, आंख के ऊपर, ये आपकी आंख है, ये बिल्कुल नजदीक है, मैंने बना दूर दी लेकिन बिल्कुल नजदीक है इस लेंस के, आप बिल्कुल आंख के सामने आप लेंस को पकड़े हुए हैं। तो कहता है कि इट इज रेशियो ऑफ एंगल सबस्टेंडेड एट आई बाई फाइनल इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा, इसके द्वारा जो एंगल आंख के ऊपर बनेगा और एंगल सबस्टेंडेड एट आई आंख के ऊपर, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, दो एंगल होगा, आंख के ऊपर एक एंगल बनाएगा आपका ऑब्जेक्ट और एक एंगल आपका बनाएगा इमेज, दो, लेकिन कंडीशन होंगी कि दोनों हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विच। अब आप आंख के सामने लेंस को रखोगे सिंपल माइक्रोस्कोप को, ऑब्जेक्ट आपका वही होगा लेकिन उसकी साइज बड़ी कर जाएगी, ऑब्जेक्ट तो आपका कहाँ होगा, वही होगा लेकिन उसकी साइज आपको क्या नजर आएगी, बड़ी नजर आएगी, यही केस है। तो अगर आपकी इमेज यहाँ बनी है, ये डिस्टेंस सी से लेके यहाँ तक की इमेज, और इस डिस्टेंस को हमने लीस्ट डिस्टेंस लिखा डी, छोटी से छोटी डिस्टेंस, तो क्या कहा है कि रेशियो ऑफ दो रेशियो एंगल सबस्टेंडेड, जो आंख के ऊपर आएगा एंगल, किसका एंगल, फाइनल इमेज का, आंख के ऊपर आएगा किसका एंगल, ऑब्जेक्ट का, तो आपका ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज दोनों एक जगह, तो ये बात तो सही है। अगर हम घड़ी के किसी पुर्जे को देख रहे हैं तो पुर्जा बड़ा होके दिख जाएगा लेकिन उस पुर्जे की जो पोजीशन है वो वहीं रहेगी, जहां वो स्थित है वहीं पे रहेगा लेकिन उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी। तो आपको जो ये ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ है ए डैश बी डैश, यही आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, यही आपको क्या नजर आएगा, ऑब्जेक्ट। तो याद रखें कि जहां आपकी इमेज है वहीं आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ उसकी साइज बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, साइज, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। बेटा माइक ऑफ कर लें, जिस बच्चे का तो माइक ऑन है बेटा वो माइक ऑफ कर लें। तो वो आपके पास बेटा क्या करेगा, वो सिर्फ आपके पास एक काम करेगा कि उसकी साइज बढ़ा देगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तो अब आपकी इमेज यहाँ बनी है तो आपका ऑब्जेक्ट भी कंसीडर आप यहीं करोगे
और इसको नाम दे दिया मैंने A1। अब एक बात देखना, फाइनल इमेज तो ये थी और ये आपकी आंख थी, आंख बिल्कुल लेंस के बिल्कुल साथ में है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो ये एंगल बनेगा, ये वाला फाइनल इमेज के द्वारा, इसको बेटा हम नाम देंगे अल्फा। क्या नाम देंगे? अल्फा ना, सॉरी बीटा दे देते हैं इसको। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस वैल्यू को हम लिख देते हैं फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बनेगा उसको नाम दे दिया बीटा, फाइनल इमेज। तो इमेज के द्वारा आंख के पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल आंख के साथ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो आंख के ऊपर ही बनेगा, और ये इमेज का कौन सा एंगल बनेगा? बीटा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, रियल में बात करें तो ऑब्जेक्ट की हाइट यही है, इसी के बराबर सेम। अब जहां ऑब्जेक्ट है पोजिशन तो वही होगी, जहां इमेज बनी वही ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इसको आपको दिख रहा है एक आगे एक पीछे, ऐसा नहीं होता कि रियल में पोजीशन वही रहती है लेकिन साइज बढ़ जाती है। अब ये ऑब्जेक्ट की और इसके ऊपर एंगल बनाओगे तो आंख के ऊपर, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला आंख के ऊपर जो ये छोटा एंगल बना है आपके सामने, मैं अलग मार्कर से कर देता हूँ इसको, ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, इसको नाम दोगे बेटा आप अल्फा। क्या नाम दोगे? अल्फा। तो ये तो बन गया ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल, और ये बना इमेज के द्वारा एंगल। तो इमेज के द्वारा बना बेटा वो बीटा, और ऑब्जेक्ट के द्वारा बना वो अल्फा। फिर ध्यान से देखें, मैग्नीफाइंग पावर क्या कहती है कि एंगल सबटेंडेड एट आई, आंख के ऊपर एंगल बनाना है फाइनल इमेज के द्वारा, टू आंख के ऊपर एंगल बनाना है ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो इमेज के द्वारा तो फाइनल इमेज के द्वारा डायरेक्ट एंगल बन गया बीटा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी वही होगा क्योंकि कंडीशन कही है कि व्हेन जब बोथ आर लीस्ट डिस्टेंस, दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस पे हो, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों डी डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट ए बी था उसको यही काउंट करना पड़ेगा, इसको नाम दे दिया हमने A1B', और इस ऑब्जेक्ट से आंख के ऊपर एंगल बना लिया, और ये एंगल क्या बना आपके पास? अल्फा। और रियल में बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस टर्म में जब आप पढ़ेंगे तो ये होता है बीटा बटा अल्फा। बोलो क्या होता है? बीटा बटा अल्फा। बोलो कर लोगे? यहां तक किसी बच्चे को रे डायग्राम में डाउट है तो मेरे को बताएं, कर लोगे बेटा? थैंक यू बेटा मनोज। अब देखें, अगर हम बात करते हैं तो हमने एक बात पढ़ी है कि क्या कंडीशन हमने पढ़ी है कि हम जब भी डिफ्रेक्शन में पढ़ते थे तो एंगल स्मॉल लिखते थे। तो स्मॉल, अगर ये आपके पास वही कंडीशन है, स्मॉल एंगल एक्सप्रेस्ड है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल एंगल अगर लिख रखे हैं तो बीटा को हमने जैसे पिछले कई क्वेश्चंस में किया था वो थीटा साइन थीटा के बराबर, ऐसे ही अगर बात करें तो बीटा आपके पास आप यहाँ पे लिखेंगे टेन बीटा के बराबर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा यहाँ से। इसी फॉर्म को आप दूसरी फॉर्म में ये कह सकते हैं, स्मॉल एंगल की टर्म में टेन बीटा बटा टेन अल्फा। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए टेन बीटा को बीटा लिख लेते हैं और टेन अल्फा को अल्फा, और ये फॉर्म आपके पास ये भी बन सकती है एम इज इक्वल टू टेन बीटा बटा टेन अल्फा, ठीक है। और ये होता है मेन फॉर्मूला किसके लिए? के मैग्नीफाइंग पावर के लिए, ठीक है बेटा। अब हमें इन ट्रेंगल से एक तो हमें टेन बीटा निकालना है, और इन्हीं ट्रेंगल से हमें एक टेन अल्फा निकालना है। देखो, अगर बेटा मैं आपके सामने ट्रेंगल ए आपके पास लेके चलूं, और बी आपके पास, और सी, देखो ट्रेंगल अगर मैं आपके सामने लेके चलूं और वो ट्रेंगल आपके पास ए बी और सी, ये ट्रेंगल ले ली, तो इस ट्रेंगल के अंदर आप यहां से बेटा टेन बीटा निकाल सकते हैं। बोलो क्या निकाल सकते हैं? टेन बीटा। बोलो बेटा टेन बीटा क्या निकल के आएगा? ए, B/C। शाबाश, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालूं, अल्फा तो A1B'C, कौन सी ट्रेंगल लेंगे बेटा? A1B' और सी, टेन अल्फा निकाल लें। इसको लिखेंगे बेटा A1B' बटा CB'। बोलो परपेंडिकुलर बटा बेस। लेकिन हमें एक बात का पता है कि ये बात तो हमने पढ़ ली कि A1B'
बी डैश, ये बेटा बी डैश है, ठीक है। ए वन बी डैश 100% ए बी के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट की साइज तो उतनी है लेकिन वो बड़ा करके अपीयर टू दिखा रहा है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो ए वन बी डैश रियल में किसके बराबर है? ए पी। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए बी बटा सी बी डैश। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा सी बी डैश। बोलो बेटा कर लोगे यहां तक? तो सबसे पहले हमने एम निकाला बीटा बटा अल्फा, इसको लिख सकते हैं टेन बीटा बटा टेन अल्फा। और ट्रेंगल ए बी सी की बात करो तो टेन बीटा की अगर बात करो तो ए बी बटा बी सी, टेन अल्फा की अगर बात करो तो ए वन बी डैश बटा सी बी डैश। बीटा भी निकाल लिया, अल्फा भी निकाल लिया, ठीक है। अब मेन फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा, एम टेन बीटा, टेन बीटा बेटा ये रहा आपके पास ये वैल्यू, ए बी बटा बी सी। टेन अल्फा बेटा आपके पास ये रहा, ऊपर चला जाएगा सी बी डैश और नीचे आ जाएगा बेटा ए बी, ए बी से भी कैंसिल और ये वैल्यू बच जाएगी बेटा सी बी डैश अपॉन में सी बी, ठीक है। ये जो वैल्यू बची बेटा, ये वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी? सी बी डैश अपॉन में सी बी, ठीक है। जब आपके पास ये वैल्यू बचेगी तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखें यहां तक सभी बच्चे एक बार उतार लें और कोई डाउट है तो एक बार पूछ लें, दो मिनट का टाइम है बेटा, यहां तक सभी बच्चे उतार लें। उतार लिया बेटा सभी बच्चों ने? नो उतार लिया बेटा। यस सर। देखो इससे आगे हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं बेटा देखो यहां से ये वैल्यू निकल गया ही m बराबर cb डैश बटा cb। तो एक बार देखना बेटा m cb डैश, तो अगर मैं बात करूं c से लेके b डैश यहां से लेके यहां तक, तो रियल में बेटा ये इमेज डिस्टेंस c से लेके b डैश, बात करूं रियल में तो क्या है ये इमेज डिस्टेंस, तो और लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस का भी। बोलो क्या लिखूंगा? माइनस। इसके बाद नीचे है सी बी, सी से लेके बी रियल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस का, तो फॉर्मूला बन गया बेटा यहां से बी बटा यू। यहां जो मैंने फॉर्मूला निकाला बेटा वो फॉर्मूला हमें बी बटा यू, लेकिन इस फॉर्मूले का तो बेटा हमें पहले से ही पता था कि हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही रिफ्रेक्शन में बता दिया था कि लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा यू होता है। और मिरर के लिए हम लिखते थे माइनस वी बटा यू, क्या लिखते थे? माइनस वी बटा यू। अब देखें इसी फॉर्मूले को हम कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है बेटा एक बटा वी माइनस एक बटा यू और एक बटा एफ होता है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपके पास हमें वी बटा यू की फॉर्म बनानी है तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं वी से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई वी, किससे मल्टीप्लाई कर ले? वी बटा वी वन, इसको लिखा वी बटा यू और इसको लिखा वी बटा, ठीक है। इस टर्म को आप उधर लेके चले जाओ, इस टर्म को बेटा आप उधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या टर्म बचेगी वो देखो, इसको लेके जाएंगे तो वी बटा यू प्लस का हो जाएगा और वन माइनस वी बटा एफ हो जाएगा, ठीक है। वी बटा यू आप कह रहे हो क्या है? एम है,
तो बेटा इसको क्या लिखा, एम वन माइनस वी बटा एफ, एक ये फॉर्म। लेकिन वी रियल में क्या है, डी डिस्टेंस, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसको माइनस डी, तो ये पुट होके क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस प्लस डी बटा, ठीक है। तो एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्नीफाइंग पावर का क्या निकल के आ जाएगा, वन प्लस डी बटा एफ, और डी बेटा यहाँ क्या है, लिस्ट डिस्टेंस। बोलो डी क्या है यहाँ पे, लिस्ट। रियल में अपनी इमेज तो कहाँ बनी थी, डी डिस्टेंस के ऊपर, और वी की जगह क्या पुट किया, माइनस डी, तो ये वैल्यू क्या बन के आएगी, वन प्लस डी बटा, बोलो कर लोगे। और यही वैल्यू बेटा हमें निकालनी थी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जैसे आपके पास कोई भी एग्जाम्पल दे दें, जैसे आपको कहे सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स प्लस, लिस्ट डिस्टेंस बेटा आपको दे दे 25 सेंटीमीटर, तो बताओ कितनी मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, एम वन प्लस डी की वैल्यू डायरेक्ट 25। अब साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहीं पे यूज कर चुके, वी बराबर माइनस डी, और 25 बटा 5, 5 से काट दोगे, 5 जमा 1 कितना जाएगा बेटा, 6 गुना बड़ी इमेज बनाएगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। ये था बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन, जो आपके पास एक बेसिक पार्ट था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, और यहाँ तक सभी बच्चे इसको उतार लें। उतार लिया सभी ने? यस सर। क्लोज कर दो? यस सर। देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो अपने पास आता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेटा, और ध्यान से देखना है इसको, ये आपके पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा आपके पास आता है, और ये आता है बेटा आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कहता है कि कैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट, एक उससे भी ज्यादा बड़ी इमेज बनाने के लिए जिसका यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको बड़े अच्छे से लिखें बेटा, अब इसकी आप लिखें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या क्या होना चाहिए, कि इसका काम है कि बहुत बड़ी इमेज बनाएगा, ठीक है, सिंपल से भी बड़ी इमेज देखनी है, तो कंपाउंड, तो कंपाउंड का मतलब दो या दो से अधिक, तो इसमें बेटा दो लेंस यूज होते हैं। सिंपल में आपके पास सिंगल लेंस यूज होता है, और यहां अगर बात करें बेटा तो यहां आपके पास दो लेंस यूज होंगे। और इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखें, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप consist of two convex lens, one is known as objective lens, and
another is known as आई लेंस. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास दो लेंस होते हैं, टू कॉन्वेक्स लेंस. एक को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को बोला जाता है आई लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस हैव स्मॉल फोकल लेंथ एंड आई लेंस हैव मॉडरेट फोकल लेंथ. मॉडरेट फोकल लेंथ इसके पास जो होती है वो एक मॉडरेट फोकल लेंथ होती है. यहां तक सभी बच्चे एक बार लिख लें और रेज योर हैंड्स करें. इसके बाद हम बेटा डायग्राम बनाते हैं. थैंक यू बेटा गौरव प्लस टू रेडियंट से. थैंक यू. देख अब से कह रहा है कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट्स. छोटे ऑब्जेक्ट्स की बहुत बड़ी इमेज देखने के लिए जिसका यूज करते हैं वो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है. ठीक है, वो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है. तो अगर मैं बात करूं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, इसके पास दो लेंस होते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस. एक का नाम होता है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे का नाम होता है आई लेंस. एक की आपके पास फोकल लेंथ होती है स्मॉल और आई लेंस की फोकल लेंथ होती है मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब आवश्यकता के अनुसार जितनी लेंगे उतनी ले सकते हैं, लेकिन फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ी, लेकिन आप आवश्यकता के अनुसार लेंगे. बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, इसको बोला जाएगा मॉडरेट फोकल लेंथ. ठीक है भाई, अब आते हैं इसके बेटा रे डायग्राम. बड़े ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है ये बेटा. आपके पास कॉन्वेक्स लेंस. दूसरा बेटा आप लेंगे ये वाला लेंगे और दोनों को कोएक्सियली रखेंगे. कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस. कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस इसका नाम है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस और इसका नाम है बेटा आई लेंस. ठीक है, ये केस है. यहां मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ नॉट. क्या लिख लेता हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ नॉट. ध्यान से देखना और सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दें. मैंने आपको कहा कि इसके पास दो लेंस होंगे, एक का नाम बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक का नाम बेटा आई लेंस होगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो बेटा स्मॉल होगी और आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो बेटा लार्ज होगी. ठीक है, या मॉडरेट होगी. यहां मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसका नाम है बेटा ए बी ऑब्जेक्ट. पहला रूल लगाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी ऐसे निकल जाएगी. दूसरे में बात करते हैं कि जो रे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी निकल जाएगी. ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं बेटा यहां से इस पॉइंट को ए और इसको बी. यहां एक इमेज बन गई बेटा, यहां एक इमेज बनी और ये इमेज बनी है बेटा. इसको नाम दे दिया ए डैश और बी डैश. इसको क्या नाम दे दिया, ए डैश और बी डैश. यहां तक का डायग्राम सभी बच्चे समझ गए होंगे.
कि हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है, एक आई लेंस लिया है बेटा, इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है पी, और उसको देखो एफ से पीछे रखा है। अगर मैं सी और एफ के बीच में तो रख देता, ये सी वन और ये सी टू है, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी टू, तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा जो इमेज बनाता है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। यही इमेज ये बनाएगा तो आपके पास क्या सिचुएशन आएगी वो देखिए। अब ये जो इमेज बनी है ए डैश और बी डैश, तो कोई भी बच्चा बताए मेरे को ये जो इमेज बनी है कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, ना कौन से लेंस की इमेज बनी है बेटा, बताओ। ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये जो इमेज बनी है, ये इमेज जो बनी है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बनी है, ठीक है। अब देखना ये जो लेंस है आई लेंस, इसके लिए ये इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और हमने बहुत बड़ी इमेज बनानी है, फाइनल जो इमेज बनानी है वो वर्चुअल बनानी है और हाईली मैग्निफाइड। तो कोई भी बच्चा मेरे को बताए कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज और मैग्निफाइड इमेज कब बनाता है, बताओ बेटा। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में हो, जब आपका ऑब्जेक्ट, तो 100% ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसका फोकल लेंथ मेरे को इधर मानना पड़ेगा आई लेंस, क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। ये इमेज आई लेंस के लिए क्या बन गई है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के क्या हो गया? बीच में। और जब ये इसके बीच में आएगा तो अब यहां से ये रे आई रिफ्रैक्शन करके ऐसे मुड़ गई, ये रे आई बेंड करके ऐसे मुड़ गई। अब देखो वर्चुअल इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज बनानी है तो आप ये टू मीट करवाना पड़ेगा, तो ये वापिस ऐसे आई, ये भी वापिस ऐसे आई, और यहां एक इमेज बन गई इस पॉइंट के ऊपर अपीयर टू मीट। अब यहां इमेज बनेगी उसको यहां लिखोगे आप ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका नाम क्या आएगा बेटा? ए डबल डैश बी। देखो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है किसका? आई लेंस का। और ए डैश बी डैश इमेज है, ए डैश बी डैश आपके पास बेटा ए डैश बी डैश है वो इमेज भी है। किसकी इमेज है वो? ऑब्जेक्टिव लेंस की। किसकी है? ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्ट बना तो रे आई ऐसे चली गई, रे आई मुड़ गई, लेकिन हमें तो वर्चुअल बनानी थी, और वर्चुअल इमेज हमें पता है कि अगर यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी ऊपर रखा है तो इमेज भी ऊपर बनेगी, तो यहां ऑब्जेक्ट नीचे था तो इमेज भी कहां बनेगी? नीचे। इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ए डैश और बी डैश ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनाएंगे तो, ठीक है। तो इमेज आपके पास ये बन गई ए डैश और बी डैश। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है एक बार डायग्राम में तो बेटा एक बार पूछ ले, बोलो बेटा कर लोगे? यस सर। अब देखो रियल में मैं आपको एक बात पढ़ा रहा था, और रियल में आपको एक बात क्या पढ़ा रहा था? मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर का बेटा आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि रियल में मैग्नीफिकेशन क्या होता है? बीटा बटा अल्फा। बोलो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती? बीटा बटा अल्फा। क्या मैंने डेफिनेशन बताई थी? एंगल सबटेंडेड एट आई, तो आंख के नजदीक कौन सा लेंस होगा? आई। और दूसरा लेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव। आंख के ऊपर एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस, जब दोनों कहां हो? लीस्ट डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो बेटा जो आपकी इमेज बनी है ये इमेज, इसको थोड़ी देर के लिए मैं डी डिस्टेंस मान लो, कितनी मान लो यहाँ पे? डी डिस्टेंस, ठीक है। आई लेंस से और जो ये इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस बेटा, और इसकी डिस्टेंस को हम कितनी काउंट कर लें? डी डिस्टेंस। अब आप सभी को पता है इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, टेंजेंट ऑफ बीटा और बेटा टेंजेंट ऑफ अल्फा। बोलो यही लिखा था, एम की जो वैल्यू थी बेटा
वो क्या निकल के आई थी? बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें बेटा। इसको हमने लिखा था और वो बेटा हमने लिखा था टेंजेंट ऑफ बीटा बेटा टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब बात बताएं बेटा, बीटा किसकी इमेज थी? बोले बेटा, बीटा एंगल फाइनल इमेज के द्वारा, किसके द्वारा था? फाइनल इमेज। और अल्फा था फाइनल ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो फाइनल इमेज मेरे बेटे यहां बनी है, ये वाली, और आई लेंस के ऊपर बना दो एंगल। देखो, बोलो आई लेंस, तो यहां आपके आंख के बिल्कुल नजदीक होंगे आप। तो ये जो एंगल बना बेटा, ये वाला एंगल बना बेटा बीटा। बोलो क्या बना? बीटा। अब मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था, व्हेन बोथ आर लिस्ट डिस्टेंस। बोथ कौन कौन हो गए बेटा? बोथ हो गए इमेज और ऑब्जेक्ट। बोलो कौन कौन हो गए इमेज और ऑब्जेक्ट? जब आपकी इमेज डी डिस्टेंस पे है तो इस लेंस से आपका ऑब्जेक्ट भी इसको यहीं अपीयर होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट भी अभी यहीं आएगा, और ये ऑब्जेक्ट यही है जो भी था यही, और इसके द्वारा जो आंख के ऊपर एंगल बनेगा वो ये एंगल बनेगा, ठीक है। और इसको बेटा आप लिखोगे अल्फा। बोलो क्या लिखोगे? अल्फा। क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का जो मेन डेफिनेशन थी वो क्या थी? एंगल सबस्टेंडेड एट आई, आंख के ऊपर एंगल बनाना है बाई फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज के द्वारा तो बना लिया बेटा। एंगल सबस्टेंडेड एट आई बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन कंडीशन थी दोनों कहां होंगे? लीस्ट डिस्टेंस। और मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, जहां इमेज है वहीं ऑब्जेक्ट नजर आएगा, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होगी आपकी, क्या चेंज होगी? साइज चेंज होगी। तो इमेज आपकी यहां नजर है तो ऑब्जेक्ट भी ये छोटा है तो बड़ा करके देखा देगा, तो बोथ आर एट लिस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे? लिस्ट डिस्टेंस। और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं क्या काउंट कर लूंगा? ए वन। बोलो क्या काउंट कर लेंगे इसको? ए वन। यहां तक डायग्राम में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछे बेटे। बोलो बेटा, कंडीशन ये है, देखो फाइनल इमेज बनी है, फाइनल इमेज देखना बेटा, फाइनल इमेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, मैं सारे डाउट यहीं पे क्लियर करा रहा हूँ धीरे धीरे, एक एक स्टेप बता के। फाइनल इमेज अगर मैं ए बी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लू, ए बी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, देखो ए बी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो फाइनल इमेज बनी है मेरी रियल में ए डैश और बी डैश, ए डबल डैश और बी डबल। इसके रेस्पेक्ट में लूं तो ये इमेज बनी है मेरे पास, कैसी इमेज बनी है? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। बोलो कैसी इमेज बनी है? रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में, ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में, तो इमेज बनी है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। कैसी बनी है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। समझ में आ गया? तो एबी के रेस्पेक्ट में पूछे तो क्या कहोगे आप? रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और हाईली मैग्नीफाइड बनी है। लेकिन अगर ए डैश बी डैश के ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कहोगे तो यही इमेज कैसी बनेगी आपके पास? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और कैसे बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। बोलो बेटा कर लोगे? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। अब वही दो चीज लेके आएंगे, टेंजेंट ऑफ बीटा और एक टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो एक बार मैं ट्रायंगल लेता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश और सी टू, और यहां से मैं निकालता हूं टेंजेंट ऑफ बीटा। टेंजेंट ऑफ बीटा अगर निकालूं तो ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू बी डबल डैश, टेंजेंट ऑफ बीटा। फिर मैं यहां से अगर टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालूं तो टेंजेंट ऑफ अल्फा की अगर बात करूं तो देखो ट्रायंगल लेता हूं मैं, ट्रायंगल की बात करते हैं ए वन बी डबल डैश सी टू, ए वन बी डबल डैश सी टू। तो यहां लिखेंगे ए वन बी डबल डैश सी टू बी डबल डैश। बीटा भी हमने निकाल लिया, अल्फा भी हमने निकाल लिया, और एम की वैल्यू निकालेंगे तो टेन बीटा बटा टेन अल्फा। तो ए डबल डैश बी डबल डैश
सी टू बी डबल डैश, ऊपर चला जाएगा सी टू बी डबल डैश, नीचे आ जाएगा ए वन बी डबल डैश, कर लोगे? सी टू बी डबल डैश से सी टू बी डबल डैश कैंसिल, और यहां बेटा भी आएगी ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए वन बी डबल डैश आ जाएगा। लेकिन मेरे को पता है कि जो ए वन और बी डबल डैश है इसको मैं ए बी लिख सकता हूं, रियल में तो अपना ऑब्जेक्ट ए बी था, और देखो इसकी साइज और इसकी साइज क्या है सेम, ए वन और बी डबल डैश और यहाँ पे ए बी, इनकी साइज क्या है सेम, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी, और एम का फॉर्मूला निकल के आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश और बटा क्या निकल के आ गया, ये वैल्यू अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ए डबल डैश बी डबल डैश और बटा क्या निकाल लिया हमने ए बी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बताएं बेटा, उतार लिया सभी ने यहां तक? नो सर। एक बार उतार लें बेटा, यहां तक सभी बच्चे उतार लें। लिख लिया सर। थैंक यू बेटे। देखो अगर मैं बात करता हूं, बड़े ध्यान से देखना कि ए डैश बी डैश बटा ए बी, तो ए डैश बी डैश तो इमेज है, किसकी इमेज है, ए डैश सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है ए डैश बी डैश की, लेकिन ए बी तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो दोनों वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी, ये ना तो एक दूसरे का ऑब्जेक्ट है और ना एक दूसरे की इमेज। देखो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है, लेकिन किसकी इमेज है, ए डैश बी डैश, तो नीचे क्या लिखा हुआ है ए बी, तो ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला क्या है बेटा, गलत है। हम मानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी बटा यू होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट होना चाहिए, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अगर ऊपर इमेज थी तो नीचे आना चाहिए ए डैश बी डैश, क्या आना चाहिए ए डैश बी डैश, क्योंकि ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है किस ऑब्जेक्ट की, ए डैश बी डैश, बोलो किसकी इमेज है, ए डैश और बी डैश, बोलो बेटा ये बात समझ में आई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दूं और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दूं और अब लिख दिया, बोलो क्या सही लिखा है यहां तक बेटा? अरे यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा, बोलो बेटा। यहां तक कर लेंगे सभी बच्चे?